सर वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो टू एक्स वाई प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ लिखा है सवाल सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन वाई जीरो जीरो दे रखा है y 0 0 इसका मतलब क्या है सुन लो y 0 इज 0 का मतलब जब x 0 है तो y भी 0 है ये सब सीख के लिए क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा था ऊपर आप जाए कोई बात नहीं अरे वो अब पहले तो ये पहचानना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उधर मत देखो वो यस सर बोर्ड में देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है यस सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है पहले पहचानो तो सुन पहचानने में क्या है देखो डी वाई डी एक्स चाहिए चाहिए तो इससे डिवाइड कर तो ये इसके नीचे आएगा इसके नीचे इक्वल में क्यू है तो देखो पहचान लो पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स अब तो आ रहा है पूरा प्लस बोलो डी वाई 2x अच्छा सर हां वैल्यू वैल्यू हो गई ठीक है पप्पू मिलेगा हां पप्पू पास हो गया चलो इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये तक क्यों ये क्यों है पहले मिल गया मिल गया पहला एक नंबर पक्का नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पता लग गया देयर p इज फलाना q इज फलाना नो प्रॉब्लम एट ऑल नो प्रॉब्लम नाउ सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग बोलो आई एफ जो है वो क्या है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx क्या pdx 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx हंसो इसका इंटीग्रेशन करना है तो नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है 1 प्लस x स्क्वायर को t मान लो सर 2x dx dt में का dt अपॉन t log t ये बनेगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो e की पावर log t plus x स्क्वायर नहीं बोलोगे दोबारा समझाओगे ये 1 टू 13 की कहानी थी ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट है आपको बोर्ड में भी डायरेक्ट ही लिखना होगा वन करे तो मान लेना 1 प्लस x स्क्वायर पर ये भी रह गया सर इसके स्टेप मारे कटेगी तो नहीं नहीं एक नंबर मिल गया कोई स्टेप कटेगा नहीं यार चार छह नंबर में नहीं सर हमें 100 में 100 लाने कोई दिक्कत नहीं नहीं कटेगा जब मैं कह रहा हूं वही सर ऐसे जब स्टेप बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यस सर नाउ सेकंड स्टेप इज क्लियर फर्स्ट स्टेप क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पे जान ली यस सर सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला अब सॉल्यूशन क्योंकि जो p और q देख रहे हैं ना दे आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट नहीं हेलो नेक्स्ट हेलो 3 होता तो भी बन जाता वो भी होता कांस्टेंट और x और फंक्शन ऑफ x हेलो सिर्फ x का लो 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 क्लियर सेकंड स्टेप नाउ थर्ड स्टेप That is solution. आप बंद करो. Y into integrating factor equals to integration Q. Integrating factor dx plus c. आप करो. Q into integration. शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ. Y. Y. Integrating factor. देखो, यहाँ तुम तीनों लो, PDF लिखो. E की power log x, x. Oh. E की power log x, x. तो 1 plus x square ही आ जाएगा. शाबाश, मुन्ना लाल. ये बिल्कुल सही है. तो y into integrating factor इंडिया यस सर डिफरेंस है तुम्हारी सीट पे तुम्हारा नाम है बैठ जाओ तुम्हारे अपना लेके चले जाओ और ना खेलो बस बोलो q q कौन 4x square 1 plus x square देखो मैंने नोइंग सर कट गया सर कट गया कट गया कट गया ऐसा क्वेश्चन दिया है सुन लो नोइंगली ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें इंटीग्रेशन में आपको ट्रबल ना हो दिव्य समझ यहाँ ट्रबल क्या आएगी सर कट गया कट गया ट्रबल कहाँ आएगी जब हम लोग मतलब कोई पूरे एक से लेके 32 एक्सरसाइज कोई भी इंटीग्रेशन हो सकता है फिर उसके बाद ये क्या हो कुछ पता नहीं कि नेवर नो क्या बन जाए यहाँ तो मैंने जानबूझ के सिंपल वाला लिया रेडी वन प्लस एक्स कट गया कट गया एक्स प्लस सी बोलो ठीक है यस सर अब यहाँ तो ये देखो कट गया तो अब इसका मतलब आपकी समझ में आया 4x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे सर कर लेंगे सर 4x क्यूब अपॉन 3 कोई दिक्कत नो सर क्या ये आंसर है सर नहीं उन्होंने हमको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है यस सर जब x 0 तो y 0 यही दे रखा है यस सर कभी दे रखा होगा कि x 1 है तो y 2 है वो तो दे रखा होगा तो अगर दे रखा है तो इसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए हमको क्या करना है ये c निकालना है तो जितने जितने x जहाँ जहाँ x देखते हो वहाँ रख दो 0 और जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दो 0
जीरो हो गया सर, तो पूरे जीरो आ, सी की वैल्यू जीरो ही आ गई, तो सी कितना आ गया? जीरो। अरे बोलो यार, जीरो। इसको फाइनल आंसर इज सी इक्वल्स जीरो। अब चाहे तो देखो इस आंसर में क्या करते हो, वाई निकाल रहे हो, एक्चुअली सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो? देखो बचपन में हम सॉल्व करते थे तो एक्स निकालते, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक्स निकालते, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई निकाल रहे हो। यस सर। क्या निकालना है? वाई निकालना है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कर्व, व्हाट इज द ओरिजिनल फंक्शन? वाई इक्वल्स टू 4x³/3 1 + x²। अब ये कुछ गड़बड़ सा बन रहा है, जियो जेब्रा पे देख लेना, ग्राफ बना के, कोई मतलब नहीं। मेरा आंसर चार नंबर पक्के होगा, प्लीज डू द होमवर्क।